वक्फ बचाओ आंदोलन, इसके अध्यक्ष जो हैं समील शामसी जी जो हमारे साथ में, आइए उनसे पूछते हैं क्या मांगों को लेकर के वो सरकार को बताना चाहते हैं। बताइए शमसी जी। देखिए ऐसा है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं इसके ऊपर कई वर्षों से हमारा जो संगठन है वो आंदोलित है, और इसमें कई बार हम लोगों ने जेलें भी काटी, हम लोगों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन भी किया। जो ये नई सरकार थी, जब लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ था उसके बाद हमारे संगठन के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसमें मैं खुद भी शामिल था। उसमें 6 बार की मुलाकातों में अब तक सिर्फ हम लोगों को आश्वासन मिल पाया और वक्फ बोर्ड की CBI जांच के बारे में कोई भी सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। हर बार मुख्यमंत्री ने यह कहा कि आप संयम बरतिए, हम शिया समुदाय के साथ हैं, जल्द ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो लगातार वक्फ की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाता चला जा रहा है। उसने एक अमरोहा ज़िले का एक इमामबाड़ा था जिसमें जो है वो अभी 2 दिन पहले उसकी छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि हर इमामबाड़े करबला दरगाह और वक्फ की संपत्तियों से ये लोग अथाह पैसा जो है वो हफ्ते के रूप में वसूल रहे हैं वक्फ बोर्ड के मेंबरान और अध्यक्ष, जिस वसूली की वजह से इमामबाड़ों की मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, और उसकी वजह से ही ये इमामबाड़े की छत गिर गई और इसमें 2 लोग मारे गए। तो ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है और हम इस मुद्दे के ऊपर अब सरकार से और किसी आश्वासन के लिए यह सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा संगठन जो है वो बड़े पैमाने पे राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है वो शुरू करने जा रहा है। तो ये कौन अवैध वसूली कौन करता है? देखिए शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वसीम रिजवी और उनके जो लगवे भगवे हैं और जो उनके मेंबरान हैं वो सब हर इमामबाड़े, अभी कुछ दिन पहले दरगाह हज़रत अब्बास लखनऊ के एक पूर्व मुतवल्ली ने बताया कि वसीम रिजवी उनसे 5 लाख रुपए महीना की मांग करते थे कि 5 लाख रुपए महीना तुम हमको दोगे तो ही मुतवल्ली बनोगे वरना तुमको हटा दिया जाएगा, और उसने जब देना बंद किया तो उसको हटा दिया, दूसरे को बना दिया। इस प्रकार की घटनाएँ और भी हमेशा सामने आती रही हैं, और वो और ये तो बात तय है कि वसीम रिजवी का कोई ज़ाती कारोबार तो है नहीं, और ऐशो आराम की ज़िंदगी, जिस प्रकार से लग्जरी गाड़ियों से टहलना, देश विदेश की यात्राएं और जिस प्रकार से पैसा अर्जित हुआ हुआ है उसके पीछे क्या कहां से वो पैसा आ रहा है इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि सरकार ने CBI जांच के लिए जो आदेश पारित किए थे वो इन्हीं रिश्वतों के पैसे से जो है वो फिर आगे रिश्वतें दे के उसको रोका गया हुआ है। जैसे अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को रिश्वतें दे दी गई और उसके ऊपर जो आदेश पारित है उसकी फाइल को दबाया हुआ है कि किसी सूरत से जो है CBI जांच होने ना पाए। लेकिन अब अगर सरकार ने इस मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो हमारा संगठन जो है वो मजबूर होगा एक बड़े आंदोलन के लिए। तो ये लोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के इमामबाड़ो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं कि पूरे देश की? देखिए हम तो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर और उसके अलावा जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेशों में हो चाहे वो भाजपा शासित प्रदेशों में हो, वक्फ की संपत्तियों की हालत बहुत बुरी होती चली जा रही है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड इनके संरक्षण के लिए बनाया गया था उसमें वो भूमाफिया और वो लोग उसके अंदर आ चुके हैं कि जो वक्फ को दीमक की तरह कुरेद रहे हैं और उसके पैसे से अय्याशियां कर रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। खुद वसीम रिजवी के बारे में मैं आपको बताऊं कि 3 बीवियां उनकी हैं, यूं तो वो मुस्लिम पसंदला का विरोध करते हैं और उन्होंने शादी खुद मुस्लिम पसंदला के अंतर्गत 3 बीवियों से कर ली। एक पत्नी उनकी किस हालत में उसको रखा हुआ है उन्होंने कैद करके, क्यों उसको मीडिया के सामने नहीं ला रहे हैं और कहें बताएं कि उसके ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं? 3 बीवियों पर लगातार वो अत्याचार करता जा रहा है। महिला संगठनों को जो है वो मैं खुद सचेत करना चाहता हूँ कि वो इस मामले में आगे आएँ। शिया यतीम खाने के जिस कमरे में उसको कैद किया हुआ है उसको फ़ौरन बाहर निकालें और उसको जो है मीडिया के सामने तीनों पत्नियों को ला के और ये बताएं कि ये आदमी कितना जो है वो निर्दयी और कितना ही गिरा हुआ, कितना जलील भ्रष्टाचारी है ये आदमी। इस आदमी ने तो मानवता की भी हदों को ख़राब कर दिया है बिल्कुल। ये हमारे साथ में थे अध्यक्ष वो शमील शमसी जी, जिन्होंने बताया कि जैसे वक्फ बचाओ आंदोलन जो वो चला रहे हैं उसके अंदर कितना भ्रष्टाचार भरा हुआ है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लखनऊ की खूबसूरती जो इमामबाड़े बढ़ाते हैं उसमें भी भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसके लिए CBI जाँच करी जाए। इसी के साथ मैं अमित आपसे इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद। ये बिल्कुल फ्री है।
सब्सक्राइब करिए हमारे एसटी न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताज़ी खबरें।